हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडिटोरियल पैसेज, लीगल पैसेज के फ्रेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। लीगल फ्रेजेस, लीगल फ्रेजेस दोस्तों, द पब्लिकेशन ऑफ द रोस्टर, द पब्लिकेशन ऑफ द रोस्टर, पब्लिकेशन ऑफ द रोस्टर ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, ऑन द वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द हाई कोर्ट, ऑफ द हाई कोर्ट। द पब्लिकेशन दोस्तों ऑफ द रोस्टर ऑन द वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। तो दोस्तों, दीज आर द वेरी वेरी एफिशिएंट एडवांस आउटलाइन आई एम शेयरिंग यू एंड यू मे फॉलो दैट आल्सो। नेक्स्ट वाला दोस्तों, हाई कोर्ट्स, provides notice to litigants and lawyers about the distribution of judicial work। देखिए दोस्तों, provides notice to litigants and lawyers about the distribution of judicial work। नेक्स्ट वाला दोस्तों, दिस वन नेक्स्ट वाला है दोस्तों, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस, अंडर द अथॉरिटी इसके लिए दोस्तों अथॉरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, दिस कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड in 1950। फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाला दोस्तों,
इन द प्रिपरेशन ऑफ द रोस्टर प्रिपरेशन ऑफ द रोस्टर ऑफ द रोस्टर एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल वर्क एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल वर्क वर्क देखिए दोस्तों प्रिपेरेशन ऑफ द रोस्टर एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन यही बना सकते हो दोस्तों ऑफ जुडिशियल और वर्क दिस वन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट फॉलो मी दोस्तों दिस द सम ऑफ द कन्वेंशंस सम ऑफ द कन्वेंशन सम ऑफ द कन्वेंशंस कन्वेंशंस विच आर एडॉप्टेड इन द हाई कोर्ट विच आर एडॉप्टेड इन द हाई कोर्ट दिस वन दोस्तों सम ऑफ द कन्वेंशंस विच आर एडॉप्टेड इन द हाई कोर्ट इन द हाई कोर्ट के लिए दिस वन दोस्तों नेक्स्ट ये बना सकते हो दोस्तों आर आल्सो रेलेवेंट आर आल्सो रेलेवेंट आर आल्सो रेलेवेंट नेक्स्ट वाला दोस्तों सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन subject to modifications having regard to institutional requirements देखिए दोस्तों सब्जेक्ट ये बनाइएगा दोस्तों टू मॉडिफिकेशंस हैविंग रिगार्ड टू इंस्टीट्यूशनल और रिक्वायरमेंट्स सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस हैविंग रिगार्ड टू इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट दोस्तों फॉलो इट Underlying the submissions underlying the submissions that the constitution of benches constitution of benches constitution of benches
एंड द एलोकेशन ऑफ केसेस, एलोकेशन ऑफ केसेस ऑफ केसेस बाय द चीफ जस्टिस, बाय द चीफ जस्टिस by the chief justice must be regulated देखिए दोस्तों यहां तक underlying का ये बनाओ, जैसे underlying the submission that the constitution of benches ये बना दो दोस्तों, एंड द एलोकेशन दिस वन ऑफ केसेस बाई द चीफ जस्टिस मस्ट बी रेगुलेटेड। देखिए दोस्तों अंडरलाइन द सबमिशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस एंड द एलोकेशन ऑफ केसेस बाई द चीफ जस्टिस मस्ट बी रेगुलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों दिस वन इज दसो प्रोसीजर कास्ट इन आयरन इज द एप्रीहेंशन that absent such a procedure will be exercised arbitrarily आर्बिट्रेरीली। दस मैन दोस्तों प्रोसीजर ये बनाइएगा दोस्तों, प्रोसीजर कास्ट इन आयरन इन इज द एप्रीहेंशन दैट एब्सेंट सच ए प्रोसीजर द पावर will be exercised arbitrarily। दिस वन दोस्तों फिर मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, प्रोसीजर कास्ट इन आयरन इज द एप्रीहेंशन दैट एब्सेंट सच ए प्रोसीजर द पावर विल बी एक्सरसाइज्ड arbitrarily। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड बाय। टुडे टुमारो आई विल बी मेट यू अगेन। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आप सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी आपकी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में
भेजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।